हेलो तो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ विख्यात। और कल का ब्लॉग आप लोगों को मैंने दिखाया था ना, कि घर पे ब्लॉगिंग किया था, अपनी फैमिली मैंने दिखाया था। और आज संडे है तो घर में बोरियत लग रही थी, तो अपने डॉग को फिर मैं घुमाने ले जा रहा हूँ। तो पीछे आगे आगे चल रहा है मेरा डॉग और बढ़िया हवा चल रही है। ये दिखाता हूँ आप लोग को कैमरा घुमा के, कैमरा भी हिल रहा है भाई। ये भी बोर होने लगता है घर पे, देखिए सूंघ रहा है, सूंघ सूंघ के देख रहा है। क्या क्या चीज, टॉयलेट लगी है टाइगर को, चारों तरफ कैमरा घुमा देते हैं। टाइगर चलो नदी चलते हैं। ये कितनी सारी डगाली डगाली यहाँ पड़ी है, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ये हाथ से बनेगा नहीं, मोबाइल नहीं पकड़ा हूँ ना मैं अपना। देखिए इसको खोल लेते हैं पहले, एक हाथ से बनते ही नहीं है। एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, एक हाथ से दरवाज़ा। ये इसको बड़ी जल्दी जाने की, घर घर में बोर हो जाता है। वापस दरवाज़ा लगा, चलो टाइगर। आज का मौसम वैसे ठीक ही ठीक ठाक है, थोड़ी सी बारिश हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता भाई। फिर झाड़ी झंकार आ रही है, पैर में फिर लगेगी। क्या हुआ टाइगर, हैं फिर सूंघेगा ये, गंद लेगा, कहीं भी सूंघ के टॉयलेट ज़रूर करता है। चलो चलो चलो, अब यहाँ से मेरे पैर के ऊपर तक की झाड़ी आएंगी ये। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो भाई। यहाँ पे देखिए गिलकी लगी है, अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। गिलकी ये बड़ी हो रही है, इसको मैं अब भी तोड़ के ले जाऊँगा यहाँ से। चलो टाइगर, ये भाई इतनी बड़ी झाड़ी हो जाती है, लगती ही है पैर में। जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो टाइगर। इतने टाइम आओ ना तो बड़ा अच्छा भी लगता है। वैसे मम्मी ने कुछ दिया था जो ठंडे करने का था, तो नर्मदा जी की नदी में ठंडे करना था उस सामान को, तो मैंने ठंडे भी कर दिए। कागज़ में एक वो सिंदूर था ना, उसको ठंडे करना था, तो यहीं से डाल दिया हूँ ऊपर ही से भाई। मोबाइल में शूट करने में ना, एक हाथ से डॉग पकड़ो, एक हाथ से फ़ोन, नहीं शूट कर पाऊँगा। देखिए हवा में हल्के हल्के बाल उड़ रहे हैं, सीधे स्किन पर धूप पड़ रही है, और ये पगला रहा है यहाँ पर टाइगर। और आज तो उसकी कोई चांसेस ही नहीं है कि मिट्टी को खोदेगा, मैं खोदने भी नहीं दूंगा, दूर बांधा हूँ। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है राजगीर का पेड़, राजगीर की भाजी, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और जो राजगीर रहते हैं ना, इसके अंदर से जो बीज निकलते, उसके लड्डू भी बनते हैं, और लाई लैया ये सब बनाया जाता है सामान। और जो लोग उपास रखते हैं ना, तो बाहर से मार्केट से लड्डू खरीदते हैं, राजगीर के लैया खरीदते हैं, तो ये सब चीज़ बनाई जाती है इसी से। अभी तो सूखा भी नहीं है, हल्का सा ग्रीन दिख रहा है पौधा, देखिए ना, मगर उड़ते उड़ते जो हवा भी चल रही है तो पौधा हिल रहा है। उसके आगे लगी है फिर बरबटी लगी है, मगर बरबटी मुझे दिख नहीं रही ज़्यादा, बस पौधे ही दिख रहे हैं बरबटी के। मगर बारिश हो जाती तो क्या बात रहती दोस्तों, बारिश ही नहीं हो रही, मगर धूप फिर से निकल रही खड़ा। चलो मैं आप लोग देख, और ये भाई डॉग मुंह खोल के बैठ भाई। कुछ ही दिन में बस बरसात चालू हो जाएगी और बारिश होगी तो पानी गिरेगा, और जब बाढ़ आएगी ना
तो मैं आप लोगों को बाढ़ की वीडियो दिखाऊंगा। और पानी जहाँ मैं बैठा हूँ ना, जो तो कुछ नहीं, इससे ऊपर पानी भर जाता है। जो सामने आप लोग देख रहे होंगे ना घाट, सीढ़ी दिख रही होगी, पूरा सगम घाट सामने, वो तो भाई पूरा डूब ही जाता है, इतनी बाढ़ आती है। और देखने लायक रहता है, ऐसा लगता है भाई समंदर के सामने रह रहे हैं हम लोग। और दूड़ा बहते हैं तो मछुआरे लोग दूड़ा लकड़ी बीनते हैं, खूब सारे जीका मछली पकड़ने चले जाते हैं। उनको डर भी नहीं लगता कि भाई डूब जाएंगे करके। और क्या कमाल लगता भी है, बाढ़ आ जाती है इतने टाइम। सामने कुछ लोग नहा भी रहे हैं, शाम को भी नहाने में कभी क्या आनंद रहता है। मुंह खोल के बैठ गया वो टाइगर। अब मेरे बाल उड़ते हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब तो जोरदार मस्त हवा चल रही है। क्या सोच के आए थे कि बारिश होगी, धूप थोड़ी कम होगी? हवा चल रही है मगर थोड़ी गर्म हवा भी चल रही है। 5 बज गए थे ना, तो उसका भी टाइम हो गया था डॉग को घुमाने का भी। इतने टाइम डेली लाना पड़ता है, तो वो भी घर में बोर हो जाता है, डॉग भी देख रहा है मुझको। इधर ही कह रहा होगा खुद धूप में मैं खड़ा हूँ, और मैं मुझे कह रहा होगा कि खुद जाके छाए में बैठ गया कि अब तो पीछे बैठ गया जाके इधर। तो भाई जहाँ तक मैंने कहा था यहाँ पे गिलकी थी, तो वो गिलकी तोड़ लेते हैं बड़े आराम से। ये लगी है गिलकी, सूख गई शायद, ये है एक। कैसी हो गई है गिलकी तो भाई, सूखी सूखी सी। नमस्ते दादाजी। भाई वैसे तो ये गिलकी को देख के लग रहा है कोई जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, 70-80 साल का। देखिए जैसे स्किन बुढ़ी हो जाती, वैसे ही टाइप गिलकी लग रही है। मगर चलो घर में मम्मी को दे देंगे जाके, पहले इसको धो लेता हूँ। चलो नीचे चलते हैं और धो लेते हैं पानी में जाके। भाई बेले मगर संभल से करना पड़ेगा। एक हाथ से फ़ोन उतरना पड़ेगा। भाई धो लेते हैं, देखो पानी भी कैसा भाई। तो भाई अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट दिन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा।